स्वागत है आपका क्रिप्टो मिंट में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉइन डीसीएक्स पर अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल करते हो या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए कितना टैक्स देना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक कॉइन डीसीएक्स पर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप कॉइन डीसीएक्स के अपने अकाउंट पर आओगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप प्राइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो अपने यहाँ पर वॉचलिस्ट दिखाई देगी और यहाँ पर होगी ऑल कॉइन्स। ऑल कॉइन्स में बहुत सारे कॉइन आते हैं जो कॉइन्स कॉइन डीसीएक्स पर लिस्टेड हैं, और माय वॉचलिस्ट में बहुत सारे कॉइन आते हैं जो कि आपके फेवरेट कॉइन होते हैं। उन कॉइन्स में आप बार बार इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते रहते हो। मैं आपके लिए ट्रेड्स में लेके चलता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करोगे ट्रेड्स में, ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स में देखेंगे आप, ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पर मैंने बिटकॉइन को बाय किया और बिटकॉइन को सेल किया। मैं यहाँ पर आपके लिए दोनों ऑर्डर दिखा देता हूँ कि जब आप बाय करते हो तब आपके लिए कितना चार्जेज लगता है और जब आप सेल करते हो तब आपके लिए कितना चार्जेज देने पड़ते हैं। तो पहले हम बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि हमने जो बिटकॉइन को बाय, यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो कि ऑर्डर कौन सा है, बाय का स्टेटस आपके लिए यहाँ पर कम्प्लीट दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ सर देख सकते हो स्टेटस कंप्लीट। ऑर्डर टाइप भी आप देख सकते हो, यहाँ से ऑर्डर टाइप था इंस्टेंट बाय, यानी जो प्राइस चल रही थी उसी प्राइस पर हमने बाय की थी। कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे आप यहाँ से रुपए भी देख सकते हो, और जो चार्ज लगा था आप चार्ज यहाँ से देख सकते हो कि जितने रुपए आपने इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए थे या जितने रुपए की इस क्रिप्टो करेंसी को आपने बाय की थी उतने रुपए का 0.2% आपके लिए किसके रूप में देना पड़ा था, टैक्स के रूप में। इसको टैक्स के रूप में ना बोलते हुए यहाँ पर बोलते हैं फीस के रूप में। आप यहाँ से देख सकते हो, यानी कि आप जितने रुपए की क्रिप्टो करेंसी को बाय करोगे उसका 0.2% आपके लिए देना पड़ता है क्या, टैक्स के रूप में। इसको हम बोलते हैं मेकर फीस भी बोलते हैं। ये तो किसकी बात है, जब हमने क्रिप्टो करेंसी को बाय किया, और जब हम क्रिप्टो करेंसी को सेल करेंगे तब भी हम तब देखते हैं कि हमारे लिए कितना रुपए देने पड़ेंगे। मैं बिटकॉइन पर क्लिक करता हूँ। आप यहां पर देखोगे ऑर्डर टाइप है सेल, स्टेटस भी आप कंप्लीट देख सकते हो, ऑर्डर टाइप इंस्टेंट है, प्राइस किस प्राइस पे, और आप यहां पर देखोगे 49 रुपये की अगर हमने सेल की है तो 49.89 पैसे हमारा क्या लगा यहां पर फीस। यानी जब आप बाय करते हो तब भी आपके लिए 0.2 पैसे टैक्स देना पड़ता है और जब आप सेल करते हो तब भी आपके लिए 0.2% यहाँ पर टैक्स देना होता है। यानी आपके लिए मेकर फीस भी 0.2% देनी और टेकर फीस भी आपके लिए देनी 0.2%। आप यहां से देख सकते हो। तो दोस्तों, कॉइन डीसीएक्स पर क्रिप्टो करेंसी को बाय करने या सेल करने के लिए आपको 0.2% की टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोग कॉइन डीसीएक्स पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।